हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हम सबके लिए आ चुकी है क्योंकि रियल क्रिकेट गो जो है रिलीज़ हो चुका है। जब से उसका ट्रेलर आया था दोस्तों, तो हम बड़े ही वेट कर रहे थे कि कब जो है रियल क्रिकेट गो आएगा और हम उसको प्ले कर पाओगे। तो दोस्तों वो आ चुका है, हम इस वीडियो में उसके सारे फीचर्स का जो है रिव्यू करेंगे और देखेंगे हमें क्या फीचर्स मिला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप गेम को क्लिक करोगे तो आपको साइन इन क्या कहेगा, यहाँ मैं एज अ गेस्ट साइन इन हो चुका। जैसे आप सामने ओपन करोगे तो आपको नज़र आएगा एक क्विक मैच और एक आएगा टूर्नामेंट। तो हम सबसे पहले क्विक मैच के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं हमें वहाँ क्या मिला है। तो क्विक मैच के ऊपर जैसे आप जाओगे तो वहाँ आपको इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट करने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको डोमेस्टिक टीम सेलेक्ट करने को नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ आपको सिर्फ इंटरनेशनल टीम ही सेलेक्ट करना है। इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट करने के बाद में जैसे रियल क्रिकेट टीम में पूछता है कि आपको कौन सी डिफ़िकल्टी रखनी है, तो यहाँ जो ईजी से लेकर एक्सपर्ट तक की आपको डिफ़िकल्टी मिल जाती है। 2 ओवर से लेकर तो 50 ओवर तक के मैच आप प्ले कर सकते हो और आप जो है पिच की कंडीशंस भी अलग रख सकते हो। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो आपको सामने नज़र आता है कि आपको कौन से प्लेयर्स को गेम खिलाना है और कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 से बाहर करना है। तो ये भी आप कर सकते हो, जो कि रियल क्रिकेट टीम में भी इसी तरीके से होता है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे दोस्तों तो आपको मिलता है टॉस करने के लिए। टॉस यहाँ थोड़ा सिंपल उन्होंने रखा हुआ है, आपको हेड्स या टेल्स चॉइस कर लेना है। टॉस हो जाने के बाद में दोस्तों आपको बॉलर सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप रियल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करते हो। और बॉलिंग जैसे आप देखोगे तो आपको ये हैरानी हो जाएगी कि बॉलिंग बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे रियल क्रिकेट टीम में हम करते हैं। अब जिस तरीके से हमें बॉल टाइप सिलेक्ट करना है, स्पीड सिलेक्ट करना रहती है, उसके बाद में स्विंग करना है, आउट स्विंग करना है, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे रियल क्रिकेट टीम में होते हैं। बस इसमें स्पीड मीटर में आपको ग्रीन स्पीड बार जो रहता है परफेक्ट स्पीड डालने के लिए, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी बिल्कुल कंट्रोल जो है वैसी की वैसी है जैसे रियल क्रिकेट टीम में होता है। अब इसके बाद बैटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैटिंग जब आप देखोगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, क्योंकि बैटिंग जो है बिल्कुल रियल क्रिकेट टीम की तरह ही यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। जैसे हम रियल क्रिकेट टीम में बैटिंग करते हैं वैसे सेम यहाँ पर भी आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। चारों के चारों जो कंट्रोल्स है रियल क्रिकेट 18 के, वो यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो मतलब ये जो गेम है बिल्कुल इन्होंने रियल क्रिकेट 18 के तरह की ही बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों टूर्नामेंट्स की। तो टूर्नामेंट में जैसे जाते हैं तो आपको वहाँ पे 4 ट्रॉफीज देखने को मिल जाती है, मतलब 4 टूर्नामेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें से जैसे आप कोई भी टूर्नामेंट सेलेक्ट करोगे तो आप जो है वहाँ पर आपको पूछता है कि आप कौन सी टीम की तरफ से खेलना है। उसके बाद वही बात आ जाती है कि आपको कौन सी डिफिकल्टी पे खेलना है और कितने ओवर का टूर्नामेंट खेलना है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सेटिंग्स की। तो सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे तो आपको सामने नजर आएंगे कंट्रोल्स। तो ये वही 4 कंट्रोल्स है जिससे आप रियल क्रिकेट 18 में भी गेम प्ले करते हो। तो यहाँ पे भी आपको चारों के चारों कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कैमराज के अंदर दोस्तों आपको बैटिंग के 3 अलग कैमरा मिल जाते हैं और बॉलिंग के भी 2 अलग कैमरा मिल जाते हैं। तो ये भी सेम वैसी है। उसके बाद में म्यूज़िक में आप चाहे म्यूज़िक ऑन रख सकते हो या कॉमेंट्री जो है उसको बंद भी करवा सकते हो। और उसके बाद में जो है लास्ट वाले ऑप्शन में तो आपका ये सिंपल है जैसे रियल क्रिकेट 18 में होता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया गेम लग रहा है दोस्तों। उसके बाद में प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों प्रोफाइल में वो सारे डिटेल्स आपको देगा कि आपने कितने मैचेस प्ले किए और कितने मैचेस आप हारे हो, जीते हो, कितनी सेंचुरीज मारी है, सब कुछ डिटेल्स आपको प्रोफाइल में आपको देगा जैसे वो रियल क्रिकेट 18 में देता है। तो एक्चुअली में दोस्तों इन लोगों ने बिल्कुल ही रियल क्रिकेट 18 के तरह ही इस गेम को बनाने की कोशिश की है, लेकिन कम साइज़ में बनाने की कोशिश की और बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने। मैं तो भाई सलूट करता हूँ उनके काम को, बहुत ही कम साइज़ में इतना बढ़िया गेम देना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये गेम अच्छा लगा होगा, गेम अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।